नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है और 15 दिन का ही पैसा अब उसके पास बचा है। ऐसे में एक के बाद एक बड़े हादसे हो रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी और पाक सरकार पहले से ही इतना परेशान थी, फिर और समस्या आ गई जिसका सामना करते करते पाकिस्तान परेशान हो चुका है। जी हाँ, आपको याद होगा कि एक सुसाइड बॉम्बर ने 2 दिन पहले पेशावर के सबसे सुरक्षित एरिया में घुसकर मस्जिद में ब्लास्ट कर दिया था, जिसमें 104 लोगों की मौत हो गई थी। अब इसी घटना को लेकर सियासी तूफान आया हुआ है, जिसमें पाक आर्मी, पाक सरकार और सियासी पार्टियों की अलग अलग लाइन है और सब अपनी डफली, अपना राग अलाप रहे हैं। इस हादसे के बाद से पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच चल रही है कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। इसी बीच आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के एक धड़े ने ली है। वहीं इस हादसे के बाद पाकिस्तान और तालिबान के बीच विवाद बढ़ता दिख रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने घटना के पीछे अफगान बॉर्डर को जिम्मेदार बताया है, जिस पर तालिबान बौखला गया है, और इस हमले का जवाब देते हुए कहा है कि तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मुल्ला आमिर मुत्ताकी ने अपनी बात रखी है और कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराना छोड़ दे, पाकिस्तान को अपनी समस्याएं खुद सुलझानी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आगे इतना तक कह डाला कि पाकिस्तान को अपना कचरा दूसरों के घरों में फेंकना बंद करना चाहिए। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। दे पाकिस्तान ल मुहतरम वजीर साहिबान न हम ही लकौ सिद खपल बाम वावरी दी बल चाप बाम न उराची खपल मुश्किलात प खपल कुर की उगोरी मुगदा मशवरा और कौ सिद पेखवर दी चावदनी دقیق پلټن وکي دا سیمه له جنگ او له باروت او له 14 سره بلد ده دا هیڅ امکان نه لري چې یو ځانمرګي یا یو واسکټ یا یو وړوکی بم یا یو بوشکه د دومره غټ تخریب وکي لہذا چې په تیرو شلو کلو کې موږ داسې یو بم ونه لیدو، نو یو داسې واسکټ ولید چې هغه د مسجد چتونه هم والوځي، هغه د پسونو انسانان هم له ځان سره والوځي. نو لحاظه د دې باید دقیقه پوښتنه وشي، د دې باید دقیقه پلټنه وشي. افغانستان ته د پلوې ګوته نه نیول کیږي. که څوک وایي چې افغانستان د ترهګرۍ مرکز ده د دې په اصطلاح، نو خو ته وایي چې ترهګرۍ بیا سرحد هم نه لري. نو که ترهګري په افغانستان کې وای، بیا به دا ترهګري چین ته هم غځېدله، دا به تاجکستان ته هم غځېدله، دا به ازبکستان ته هم غځېدله، دا به ترکمنستان ته هم غځېدله، دا به ایران ته هم غځېدله. نن چې هغه ټول په امن دي، خپل افغانستان هم په امن ده، نو معلومه شوه چې دلته دا خبره نشته. لهذا یو له بل سره باید همکاري وکړو، یو بل ته د ورورۍ لاس ورکړو، یو په بل باندې تورونه ونه لګوو، یو له بل سره د دښمنۍ تخم ونه شندو. دا دواړه مسلمان هیوادونه، مسلمان ولسونه یو د بل ورونه دي، یو له بل سره به د ورورۍ په فضا کې کار کوي. तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं तालिबान के विदेश मंत्री। अब हम इसको आसान भाषा में आपको समझाते हैं। जी हाँ, तालिबानी विदेश मंत्री कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो भी होता है आप कहते हो कि तालिबान ने किया। जब हम सब कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आपके घर में कचरा है और दोष आप हमें दे रहे हैं। ये सब बंद कीजिए और अपना कचरा दूसरों के ऊपर फेंकने से बचिए और खुद साफ करते रहिए। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि तालिबान घुमाकर पाकिस्तान घुमारा है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और पाकिस्तान इस पर क्या जवाब देता है। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी देते चलें कि पाकिस्तान पाक आर्मी का एक ही काम रह गया है, अपना कुछ ना करना और जब समस्या आ जाए तो दूसरों के सिर पर लाद देना। रक्षा मंत्री ने कहा कि अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने घर को सुधारने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से दुख की इस घड़ी में एक साथ रहने की अपील की है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। जब इसी आतंकवाद को लेकर भारत पाकिस्तान पर आरोप लगाता है तो पाकिस्तान कहता है कि ये झूठ है, जो कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते हैं और जो हुआ है करने वाले मुजाहिदीन हैं। और यही पाकिस्तान अब कह रहा है, जो पेशावर में हुआ वो तालिबान ने किया। जिंदगी भर इन जहरीले सांपों को पाकिस्तान पालता इस आस में रहा कि दूसरों को डसेंगे, लेकिन जब ये खुद पाकिस्तान को डसने लगे तो अब पूरा पाकिस्तान रो रहा है और कह रहे हैं कि दूसरों ने ये करवाया है। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान तबाही के कगार पर खड़ा है।